ललन जॉब शो ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के एंड अमेरिकन पिस्ताशियोस। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहली सुर्खी बिहार के सीमांचल इलाके से, यहाँ की पूर्णिया लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यहाँ से पप्पू यादव की निर्दलीय उम्मीदवारी ने इंडिया गठबंधन के समीकरणों को ऊपर नीचे कर दिया है। समझाते हैं कि कैसे। कुछ समय पहले पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। तब चर्चा चली थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर शायद चुनाव लड़ें, लेकिन यहाँ आरजेडी के कोटे से बीमा भारती को टिकट मिल गया और वो बन गई इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी। 4 अप्रैल को पप्पू यादव ने इस सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया। इसके बाद शुरू हुआ आरजेडी और पप्पू यादव के बीच बयानबाजियों का दौर, जो यहां तक आ पहुंचा है कि तेजस्वी यादव ने इशारों इशारों में यह कह दिया कि आपको, आप या तो हमें चुनिए यानी इंडिया को चुनिए या एनडीए को चुनिए। इसका मतलब यह था कि पप्पू यादव को मत चुनिए। आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। तेजस्वी यादव ने 22 अप्रैल के रोज कटिहार में एक जनसभा के दौरान ये बयान दिया था। इस बयान को खबर बनते देर नहीं लगी, पप्पू यादव ने भी तेजस्वी पर पलटवार करते हुए सांप बिच्छू तक का उदाहरण की उपमा दे डाली। बाहर से आप आकर के मेरे ही मिट्टी, जिसने हमको पैदा किया, मेरी मिट्टी ने, मेरे खून ने, पूर्णिया के और कोसी सीमांचल मधेपुरा पूर्णिया के लोगों ने हमको लड़ना सिखाया, मरना सिखाया, जज्बा दिए, और पप्पू यादव को ही आप यहाँ आकर के गाली गलौज करते हो, आप निजी हमले करते हो। मैंने तो कभी किसी के लिए नहीं किया। पप्पू यादव का ये भी कहना है कि उन्हें हराने के लिए एनडीए के अलावा आरजेडी के बड़े नेता भी पूर्णिया में कैंपिंग कर रहे हैं। यानी उनका कहना है कि आरजेडी पप्पू यादव को हराने के लिए पूरा दम लगा रही है। बिहार की राजनीति को लंबे वक्त से कवर कर रहे पत्रकार बताते हैं कि 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार के खिलाफ भी आरजेडी ने पूरा दम लगा दिया था, जब वो बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे। जानकार इसकी वजह ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के विपक्ष में कन्हैया या पप्पू यादव जैसे नेताओं के राइज से असहज महसूस करते हैं। पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार है और इंडिया गठबंधन का आधिकारिक प्रत्याशी जो पूर्णिया में है वो बीमा भारती है, इसलिए कांग्रेस के तरफ से कोई समर्थन नहीं हो सकता है। कांग्रेस का कोई नेता उनके समर्थन में रैली नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि पप्पू यादव की जो पत्नी है, राज्यसभा सदस्य सांसद है छत्तीसगढ़ से रंजीत रंजन, वो कांग्रेस की है, वो भी चुनाव प्रचार में नहीं है, बिल्कुल गैर हाजिर है, और उनके बेटे जो कांग्रेस में है वो भी उनके साथ नहीं है। पप्पू यादव अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के समर्थन के तो इस तरह से सामने आकर समर्थन करने की तो बात बिल्कुल मुमकिन लगती नहीं है। ये बात तो हुई तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच चल रही अदावत की। अब बात थर्ड पार्टी यानी कांग्रेस की। पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी का समर्थन हासिल है, लेकिन ये समर्थन कहीं दिखाई सुनाई क्यों नहीं दे रहा। पूर्णिया पर कांग्रेस के रुख को लेकर एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं, वो भी सुनिए। देखिए, तेजस्वी कम से कम अब तक जितना चुनाव हुआ उसमें सबसे ज्यादा ताकत पूर्णिया में लगाते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी कल भी पूर्णिया में थे, आज भी पूर्णिया में हैं, और कहा जा रहा है कि कल भी पूर्णिया में रहेंगे। तेजस्वी के साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि मनोज झा और संजय यादव जैसे राज्यसभा सांसद राजद के जो तेजस्वी के रणनीतिकार हैं वो भी पूर्णिया में हैं, और कई विधायक और कई नेता राजद के पूर्णिया में हैं। ये सब मिलके पूर्णिया में कैंपेन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो वहाँ राजद का कोर वोट है जो अभी पप्पू यादव के साथ खड़ा नजर आ रहा है वो राजद के पाले में आ जाए। तो वो पूरी ताकत लगा रहे हैं तेजस्वी यादव की पूर्णिया में किसी भी तरीके से, अगर बीमा भारती न जीते तो कम से कम पप्पू यादव हार जाए। वो ऐसा लग रहा है कि वो पप्पू यादव को हराने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। और हम लोग को याद है कि पिछले चुनाव में 2019 में तेजस्वी यादव और राजद ने इसी तरह से ताकत लगाई थी कन्हैया को हराने। तो ये दोनों चीजें जो समझ में आती है वो दिखती है कि तेजस्वी यादव कन्हैया और पप्पू यादव जैसे नेताओं से बिहार में इनके राइज होने से असहज है। अगर एनडीए में कोई ऐसा नेता राइज हो जाए तो उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्षी धड़े में कोई ऐसा मजबूत नेता जो आगे चल के कभी भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चुनौती दे सकता है, वो नहीं चाहते कि बिहार में ऐसा कोई नेता विकसित हो, कोई डेवलप हो, पप्पू यादव जीत जाए या कन्हैया जीत जाए, वो नहीं चाहते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि इस बार कन्हैया को बिहार में टिकट नहीं मिली, उन्हें दिल्ली से उतारा गया, जबकि वो दिल्ली से उस जगह से लड़ने के लिए बिल्कुल अनिच्छुक थे। तो वजह यही है कि राजद और तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि विपक्षी धड़े में कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट नेता हो जो आगे चल के तेजस्वी के नेतृत्व को चुनौती दे, या फिर कांग्रेस में ही कोई ऐसा नेता आ जाए। कांग्रेस में हमेशा से हम लोगों ने देखा है कि
बिल्कुल ऐसे नेता रहे हैं जिनका कोई जनाधार नहीं रहा है, अपना जनाधार नहीं रहा। पप्पू यादव ऐसे नेता है जो पूरे बिहार में घूमते हैं, लोगों से उनका कनेक्ट है, लोगों से मिलना जुलना है। किसी को इलाज कराना हो तो पप्पू यादव से संपर्क कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई घटना हो तो उससे संपर्क कर सकता है, वो 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। अब बारी है अगली सुर्खी की। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 23 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के को फाउंडर रामदेव और कंपनी के MD बालकृष्ण को एक बार फिर फटकार लगी। मामला भ्रामक विज्ञापन और अदालत की अवमानना का है। पतंजलि ने कोर्ट के सामने भी माफी मांगी और अखबारों में भी माफीनामा छपवाया था, लेकिन उनके सार्वजनिक माफीनामे पर जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कई सवाल उठाए। अभी आप स्क्रीन पर 22 अप्रैल के अलग अलग अखबारों में छपे पतंजलि के माफीनामे देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों द्वारा एफिडेविट पेश करने के बाद भी हमने विज्ञापन प्रकाशित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम इसके लिए माफी मांगते हैं, भविष्य में हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने इन अखबारों में छपे माफीनामे अदालत के सामने रखे। इस पर जस्टिस हेमा कोहली ने पूछा कि क्या माफीनामे का साइज भी आपके विज्ञापनों के साइज के बराबर है। रोहतगी ने जवाब दिया कि माफी 67 अखबारों में प्रकाशित हुई थी, इसकी कीमत लाखों में है। कोर्ट में आज क्या क्या हुआ बता रही है इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट कनु शारदा। कोर्ट की पहली टिप्पणी ये थी कि क्या आपकी अपोलॉजी का साइज उतना ही है जितना आपकी नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट का होता है। इस पे उनके वकीलों ने कहा कि वो ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट के सामने अभी उन्होंने नहीं फाइल किए हैं, वो पूरे दिन के प्रोसेस में फाइल कर देंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम कदम उठाते हुए सारी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, मतलब देश भर की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज और यूटीज की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज जो ऐसी कंपनीज को दवाइयां बनाने के लाइसेंस देती है, उन सबको इस केस में शामिल कर लिया है। और शामिल करके उन्होंने ये बोला है कि वो भी इस केस में आए और बताएं कि ऐसे विज्ञापनों पे कैसे नकेल कसी जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ नहीं है, बल्कि जितनी भी FMCG कंपनी है, जितनी भी कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कंपनीज है, जैसे नेस्ले, तमाम तरह के शैम्पूज और तमाम तरह की चीजें जो जो ये क्लेम करती है कि वो मेडिकली प्रूव्ड है, वो क्या वो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के दायरे में आती हैं? और क्या क्या जो है सेंटर की जो मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है? इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने INB मिनिस्ट्री को भी इसमें शामिल कर लिया है और आयुष मिनिस्ट्री तो ऑलरेडी इसमें शामिल थी, तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री भी अब आगे आएगी सामने इस केस में। तो तमाम तरह का जो अब जो दायरा हम देख रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत बढ़ता जा रहा है इस पूरे केस में। कोर्ट ने पतंजलि को निर्देश दिया है कि वो बड़े साइज में माफीनामे का विज्ञापन फिर से जारी करें। अब इस मामले में 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। अखबारों का एक जो पूरा पन्ना होता है वो करीब 51x33 सेंटीमीटर का होता है, यानी आधा पन्ना बैठता है करीब 25x33 का। आधे पन्ने का ही विज्ञापन पतंजलि ने 10 जुलाई 2022 को कुछ अखबारों में दिया था जो भ्रामक था, जिसमें कई बीमारियों के आयुर्वेद से इलाज का दावा किया गया था। अब अखबारों में जो माफीनामा छपवाया है एक छोटे से विज्ञापन के बराबर, जिसके साइज का अंदाजा लगाएं तो वह मुश्किल होगा 5x3 का या उससे भी कम, यानी विज्ञापन से कम 5-7 गुना छोटा माफीनामा।